दोस्तों आईपीएल साल 2021 के फेज टू को लेकर देखते ही देखते उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब काफ़ी कम समय रह गया है। इसके अलावा खास बात यह है कि जो सभी फैंस अपनी फेवरेट प्लेयर और फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का स्क्वाड आते ही जो प्लेयर्स नहीं लिए गए हैं उनके लिए नाखुश हैं फैंस, तो उनके पास अभी एक और मौका है यानी अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक यहाँ पर टीम्स के अंदर बदलाव हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या बदलाव होता है। खैर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम केकेआर के बारे में यानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। टॉप अपडेट्स आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो क्या फायदा और क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते केकेआर को होगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारी अपडेट्स दिन भर में केकेआर की टीम की तरफ से बाहर निकल के आ रही है। बट आप सभी को बता दें दोस्तों, टीम केकेआर अब बहुत ही पीछे इंस्टाग्राम के ऊपर चला गया है, बहुत नीचे चला गया है फैन फॉलोइंग के मामले में। खैर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फेज टू के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, काफी ज्यादा पसीने की प्रैक्टिस कैंप के अंदर बाहर रही है, बट इसके बावजूद दोस्तों कहीं ना कहीं केकेआर के अंदर एक चीज की कमी लग रही है। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि फेज टू के लिए केकेआर को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे लगे कि हाँ केकेआर भी एक मजबूत टीम है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है शेल्डन जैक्सन को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों शेल्डन जैक्सन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं केकेआर की तरफ से, और दोस्तों बड़ी अपडेट की बात यह है कि शेल्डन जैक्सन को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं इनसाइड सोर्सेस के थ्रू से जो एक सीक्रेट बात है, ऐसा क्योंकि शेल्डन जैक्सन के ऊपर इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है इस सीजन के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहां पर टिम साइफर्ट खेलते हैं या नहीं खेलते, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन केकेआर मैनेजमेंट को लेना है। और अगर दोस्तों टिम साइफर्ट प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में सवाल आ जाएगा कीपिंग के ऊपर। तो आप सोचेंगे कि दिनेश कार्तिक तो है, दोस्तों दिनेश कार्तिक की फिंगर और लिगामेंट का इशू है, बट दोस्तों ये अभी इशू इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो दिनेश कार्तिक खेलेंगे। बट दिनेश कार्तिक के बैकअप के तौर पर शेल्डन जैक्सन को तैयार किया जा रहा है इन केस टिम साइफर्ट बाहर होते हैं और दिनेश कार्तिक की जो इंजरी है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो शेल्डन जैक्सन खेलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं दिनेश कार्तिक या फिर कौन खेलता है। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या टिम साइफर्ट को मौका देना चाहिए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। अगली अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। तो यहां दोस्तों हमने रिसेंटली शुभमन गिल की बर्थडे हो चाहे इंटरव्यू हो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी थी। शुभमन गिल की लेटेस्ट अपडेट हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अभी रिसेंटली दोस्तों हम आपको एक लीक देने वाले हैं शुभमन गिल से रिलेटेड, पर उससे पहले दोस्तों बड़ी स्टेटमेंट उनकी जो न्यूज आ रही है वो सुन लीजिए। दोस्तों यहां पर उन्होंने बताया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम मेहनत करें और पॉइंट्स टेबल के ऊपर आगे ना बढ़े, तो उन्होंने अपना प्लान बताया है कि यहां पर केकेआर की टीम कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे प्लेऑफ्स की दौड़ में पहुंच सकती है। बट दोस्तों मजे की बात तो अब आपको पता चलेगी, क्योंकि यहाँ शुभमन गिल चोटिल थे वहां पर रिकवरी कर रहे हैं, ओपनिंग ये करेंगे ये बात भी कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल का और कोई रोल अब केकेआर के अंदर बचा नहीं है। बट जो खास बात है दोस्तों ये आप सभी को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इनसाइड सोर्सेस के थ्रू हमारे हाथों ये न्यूज लगी है कि शुभमन गिल को साल 2022 के ऑक्शन के अंदर टीम केकेआर रिटेन करने वाली है। अब किन बेसिस के ऊपर इनको रिटेन किया जाएगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का तो नहीं है, हो सकता है दोस्तों ना सिर्फ रिटेन करे साल 2022 के अंदर केकेआर की कमान भी शुभमन गिल के हाथों में सौंप दे, यानी आपको केकेआर के कप्तान शुभमन गिल देखने को मिल जाए, आंद्रे रसल का सपना फिर से टूट जाएगा। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ शुभमन गिल का आना, इंजरी से रिकवरी करना केकेआर के लिए प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है। अगली अपडेट आ रही है आयन मॉर्गन को लेकर। तो यहाँ दोस्तों सभी केकेआर फैंस के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कप्तान आयन मॉर्गन 10 सितंबर या उसके बाद आने वाले हैं, तो हमारी ये न्यूज़ पूरी तरह से करेक्ट हो चुकी है, हमने आपको ऑलमोस्ट एक दो हफ्ते पहले ही बता दिया था ये न्यूज़। दोस्तों यहाँ पर आयन मॉर्गन आ चुके हैं, अभी अपने जो क्वारंटाइन पीरियड वो काट रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें प्रैक्टिस कैंप भी वो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि यहां पर केकेआर का प्रैक्टिस कैंप के साथ साथ एक प्रैक्टिस मैच भी केकेआर प्लान कर रहा है, उसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।